गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग थ्री डायमेंशनल शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। इनको सॉलिड शेप्स भी कहते हैं, ठीक है। ये जो थ्री डायमेंशनल शेप्स हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट शेप्स होती हैं। जितने भी यूनिवर्स के अंदर जनरली शेप्स हैं, वो थ्री डायमेंशनल शेप्स ही हैं। तो आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। सभी बच्चे आज की क्लास में जितने भी टॉपिक्स हैं उसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आगे भी आपके बहुत काम आने वाली है। तो थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है। एक बार आप समझ जाओगे फिर आपके लिए चीज़ें बहुत आसान है, बट एक बार आपको ध्यान से समझना है। अगर जो बच्चा समझ नहीं पाएगा उसके लिए तो काफ़ी टफ है ये, ठीक है। इसलिए ध्यान से सारे कंसेप्ट को आपको समझना है, ठीक है बेटा। चलिए, इसमें पहला कंसेप्ट है कि डायमेंशन। जैसे यहाँ लिखा है ना थ्री डायमेंशनल शेप्स, तो वन डायमेंशनल शेप भी होती हैं, टू डायमेंशनल शेप भी होती हैं, थ्री डायमेंशनल शेप भी होती हैं। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायमेंशन? आपने सुना होगा कि 3D मूवीज आती हैं, मूवीज आजकल आ रही हैं वो 3D आ रही हैं, सुना है आपने। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 3D? थ्री डायमेंशन क्या होता है बताओ कोई। चलिए मैं बताता हूँ आपको, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो सीखेंगे। डायमेंशन क्या होता है कि जो लेंथ ब्रेथ हाइट ये सब चीज़ें होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई, ये सब जो चीज़ें हैं इनको हम डायमेंशन बोलते हैं। अब ऐसी चीज़ें जिसमें सिर्फ एक ही हो, एक ही चीज़ हो, या तो लेंथ ही हो या तो ब्रेथ ही हो या हाइट हो, है ना, तो उसको हम बोलेंगे वन डायमेंशन। जिसमें दो चीज़ें होंगी लेंथ और ब्रेथ, उसको बोलेंगे टू डायमेंशन। जिसमें तीन चीज़ें होंगी लेंथ ब्रेथ और हाइट, उसको क्या बोलेंगे थ्री डायमेंशन। इस तरह से चलता जाता है, समझ आ गया। अब आप बताइए कि वन डायमेंशनल कौन सा शेप होता है? आपने इतने सारे शेप्स पढ़े हैं चैप्टर 4 और 5 में, इसमें से वन डायमेंशनल शेप कौन सा है? वन डायमेंशनल शेप्स है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया तो इसमें सिर्फ लेंथ है, ना तो इसकी ब्रेथ है और ना ही इसकी हाइट है, है ना। लेंथ ही सिर्फ इसमें क्या है, लेंथ, इसकी लंबाई है। तो इसमें एक ही चीज़ है लेंथ, तो ये कैसा हो गया, इसको क्या बोलेंगे वन डायमेंशनल शेप्स, समझ आ गया। जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ होगी, या तो लेंथ होगी या ब्रेथ होगी या हाइट होगी, उसको क्या बोलते हैं वन डायमेंशनल शेप्स। नेचर में कोई वन डायमेंशनल शेप्स बताओ क्या होता है जो आपके आसपास हो? थ्रेड देखिए आपने, थ्रेड धागा जिसे बोलते हैं, जिससे आपकी माताजी सिलाई वगैरह करती होंगी, वो जो थ्रेड होता है उसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल, क्योंकि थ्रेड जो है उसमें लेंथ होता है, ब्रेथ और हाइट उसकी नेग्लिजिबल होती है, बहुत कम होती है, तो उसको हम मेज़र नहीं करते हैं। मेज़र हम किसको करते हैं, लेंथ, कितनी लंबी है ये धागा कितनी लंबी है, ये हम यही तो बोलते हैं। तो जो धागा होता है वो होता है वन डायमेंशनल, ठीक है। इसके बाद टू डायमेंशनल मैंने आपको बताया, जिसमें लेंथ और ब्रेथ दो चीज़ें होंगी, उसको क्या बोलेंगे टू डायमेंशनल। जैसे रेक्टेंगल है आपका, तो रेक्टेंगल में लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, तो रेक्टेंगल कैसा हो जाएगा टू डायमेंशनल, ठीक है, समझ आ रहा है। आपका स्कूल का प्लेग्राउंड है, तो स्कूल का प्लेग्राउंड जो है उसमें लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, तो प्लेग्राउंड कैसा है टू डायमेंशनल, समझ आ गया। इसके बाद थ्री डायमेंशनल चीज़ें आती हैं जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। थ्री डायमेंशनल वो होगी जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों होती हैं, ठीक है। जैसे आपका मकान है, ठीक है, आपका रूम है, जिस रूम में बैठ के आप पढ़ रहे हैं उस रूम में लेंथ भी होगी ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही चीज़ होंगी उसके अंदर उस रूम में, ठीक है। तो जिसमें तीन तीन चीज़ें हैं उसको हम क्या बोलेंगे थ्री डायमेंशनल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं सॉलिड शेप्स भी बोलते हैं। दो शेप्स विच हैज थ्री डायमेंशन लाइक लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर कॉल्ड थ्री डायमेंशनल शेप्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉलिड शेप्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है, इसकी लेंथ भी है ब्रेथ भी है और हाइट भी है, आप देखना लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों मिल जाएंगे उसमें। तो ज्योमेट्री बॉक्स जो है आपका, इसको हम थ्री डायमेंशनल शेप भी बोलेंगे और सॉलिड शेप भी बोल सकते हैं। अब ब्रिक, ब्रिक होता है, ब्रिक देखा है आपने, ईंट जिसे बोलते हैं हिंदी में,
उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट होती है, मैच बॉक्स होती है, माचिस का माचिस की जो डिब्बी होती है उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट होती है, जो रोलर होता है रोड रोलर जिससे रोड बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन किया जाता है रोड का, उसमें भी लेंथ ब्रेथ हाइट होती है। तो जिसमें भी लेंथ ब्रेथ हाइट तीन डायमेंशन होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, थ्री डायमेंशनल शेप्स और सॉलिड शेप्स। ये थ्री डायमेंशनल शेप्स कितनी टाइप की होती हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। होती तो बहुत टाइप की हैं लेकिन मेन मेन जो कुछ स्पेशल ऑब्जेक्ट्स हैं, स्पेशल शेप्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सभी बच्चे इन सभी शेप्स को ध्यान से समझेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए पहला शेप है क्यूबॉइड। व्हाट इज क्यूबॉइड? अ क्यूबॉइड इज अ सॉलिड बॉन्डेड बाय सिक्स रेक्टेंगुलर फेसेस। क्यूबॉइड एक सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड बोलें चाहे थ्री डी शेप बोलें एक ही बात है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है आपने। हम ये भी लिख सकते हैं क्यूबॉइड इज ए थ्री डायमेंशनल शेप, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं क्यूबॉइड इज ए सॉलिड, दोनों एक ही बात है। तो क्यूबॉइड एक थ्री डायमेंशनल शेप होता है जिसमें छः रेक्टेंगुलर फेसेस होती हैं, चार उसकी दीवारें होती हैं। जैसे आप जिस रूम में बैठे हो वो एक क्यूबॉइड ही है, उसमें आप ध्यान से देखोगे उसमें चार दीवारें होंगी चारों तरफ से, और एक जो है बेस होगा और एक से छत होगी, है ना, सीलिंग बोलते हैं उसे इंग्लिश में, बेस एंड टॉप। तो चार दीवारें, बेस पांचवा हो गया और टॉप जो हो गया वो छठा हो गया, और ये जो चार छः के छः हैं फेसेस, ये छः के छः फेस कैसी हैं, रेक्टेंगुलर शेप में हैं, ठीक है, रेक्टेंगल हैं सारी सारी। आप ध्यान से देखो दीवारें जो हैं घर की दीवारें कैसी हैं, रेक्टेंगल हैं। तो क्यूबॉइड क्या होता है कि एक 3D शेप होती है जिसमें छः रेक्टेंगुलर फेस होती हैं, यानी छः रेक्टेंगल अगर हम लें और उसको हम आपस में कनेक्ट करके एक बॉक्स बना दें तो वो जो बॉक्स बनेगा उस बॉक्स को हम क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड, ठीक है, याद रहेगा। चलिए इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रिमार्क में बताया इन्होंने कि ईच साइड ऑफ द क्यूबॉइड इज ए फ्लैट सरफेस। अगर हम देखें क्यूबॉइड का जो हर एक दीवार है या छत है या बेस है वो एक फ्लैट सरफेस होता है, तो उस फ्लैट सरफेस को हम क्या बोलते हैं, फेस, ठीक है। तो क्यूबॉइड में कितनी फेस हो जाएंगी, सिक्स फेस हो जाएंगी, चार दीवारें हैं तो चार फेस तो ये हो गई, एक बेस है नीचे का तो वो पांचवा फेस हो गया, और एक छत है ऊपर का तो ये छठा फेस हो गया। तो क्यूबॉइड में सिक्स फेसेस हो जाएंगी। इसी के इस तरह से लिखा है कि टू फेसेस जहाँ पे मिलती हैं, टू फेसेस मीट इन अ लाइन इज कॉल्ड एज। दो फेस जहाँ पे मिलती हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एज, और साइड भी बोलते हैं कई बार साइड भी बोलते हैं और एज भी बोलते हैं। तो आप ये देखो कि जो आपके कमरे हैं जहाँ आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे दो दीवार जहाँ पे मिल रही हैं वहाँ पे एक लाइन सेगमेंट बन रही है, उस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, एज, हिंदी में इसे किनारा बोलते हैं, ठीक है। तो दो दीवारें जहाँ पे मिल रही हैं उसको क्या बोलेंगे, एज, ठीक है। और थ्री एजेस मीट एट ए पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स, और तीनों एज जहाँ पे मिलेंगी, ठीक है, तीन एज जहाँ पे मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स को हिंदी में हम शीट्स भी कह सकते हैं, समझने के लिए हम इसे कॉर्नर्स भी बोल सकते हैं। कॉर्नर होते हैं ना घर में जो कॉर्नर हैं उसको हम बोलेंगे वर्टेक्स। आप ये देखो कि तीन एजेस जहाँ पे आके मिलती हैं, जो कोई भी कॉर्नर देखो उस कॉर्नर में तीन एजेस मिलेंगी, एक लेंथ, एक ब्रेथ और एक हाइट, तीनों वहाँ पे जाके मिलती हैं कॉर्नर में। तो जहाँ पे तीन एज मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो आपको ये याद रखना है कि फेस क्या होता है, एज क्या होता है और वर्टेक्स क्या होता है। फेस क्या होता है, जो फ्लैट सरफेस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फेस, और दो फेस जहाँ पे मिलती हैं उसको क्या बोलेंगे, एज, और तीन एज जहाँ पे मिलती हैं उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, यहाँ पे ये डायग्राम बना है, ये क्यूबॉइड का डायग्राम है, इसमें एक लेंथ है, लेंथ को एल से डिनोट किया गया है, ब्रेथ को बी से डिनोट किया गया है और हाइट को एच से डिनोट किया गया है, ठीक है। फिर रिमार्क नंबर टू है, क्यूबॉइड हैज सिक्स फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। क्यूबॉइड में छः फेसेस होती हैं, कौन कौन सी फेस होती हैं, चार दीवारें, बेस होता है एक और एक टॉप होता है, ये छः फेस होती हैं, ठीक है। फिर 12 एजेस यानी 12 उसकी एज होती हैं, तो 12 एज कैसी होंगी, चार एज बेस में होती हैं, चार एज टॉप में होती हैं और चार एज दीवारों में होती हैं, तो टोटल
12 एजेस होती हैं। फिर इसके बाद एट वर्टेक्स मतलब आठ इसके कॉर्नर्स होते हैं, तो चार कॉर्नर नीचे होते हैं। जिस रूम में बैठे हो आप उसमें काउंट करके देखना ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं है, जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम में ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं है, अभी काउंट करके आप चेक कीजिए। एट कॉर्नर कैसे होंगी, चार कॉर्नर नीचे होंगी और चार कॉर्नर ऊपर होंगी, ठीक है, चार कॉर्नर बेस में और चार कॉर्नर टॉप में, तो टोटल कितने हो जाएंगी, एट वर्टिसेस, एट कॉर्नर्स। तो एक क्यूबॉइड में छः फेस होती हैं, 12 एज होती हैं और एट वर्टिसेस होती हैं। वर्टेक्स सिंगुलर हो गया, वर्टिसेस प्लूरल हो गया, आई थिंक समझ आ गया होगा आपको, है ना, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट है क्यूब। क्यूब एक स्पेशल क्यूबॉइड होता है। क्यूबॉइड में क्या होता है कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीन चीज़ें होती हैं और तीनों अलग अलग होती हैं, लेकिन अगर हम ऐसा क्यूबॉइड बनाएं जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम हो जाएं, लेंथ भी 6 सेंटीमीटर है, ब्रेथ भी 6 सेंटीमीटर है और हाइट भी 6 सेंटीमीटर है, तो इस तरह का जो बॉक्स बनेगा उस बॉक्स को हम क्या बोलेंगे, क्यूब, ठीक है। तो क्यूब भी एक क्यूबॉइड की तरह ही होता है, बस इसमें अंतर ये होता है कि इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है। अब क्यूबॉइड में 6 फेस, 12 एज और 8 वर्टिक्स होती हैं, इसलिए क्यूब में भी 6 फेसेस, 12 एजेस और 8 वर्टिसेस होंगी। आई होप क्यूब और क्यूबॉइड आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रिज्म। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रिज्म, इसको आपको समझना है ध्यान से, सभी बच्चे बहुत ध्यान से इस कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है बेटा। प्रिज्म, व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म एक ऐसा सॉलिड होता है जिसमें बेस और टॉप आइडेंटिकल पॉलीगन होते हैं। आइडेंटिकल मतलब क्या लिखा है ब्रैकेट में, सेम शेप एंड साइज। आइडेंटिकल मतलब होता है कि ऐसे शेप जिनकी, ऐसे फिगर्स जिनमें जिनकी शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। शेप मतलब जैसे रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, इसको बोलेंगे शेप। जैसे अगर रेक्टेंगल है तो नीचे भी रेक्टेंगल हो, ऊपर भी रेक्टेंगल हो, और नीचे रेक्टेंगल में क्या दो चीज़ें होती है, लेंथ और ब्रेथ। तो नीचे वाली रेक्टेंगल की जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ ऊपर वाले रेक्टेंगल की हो, नीचे वाली रेक्टेंगल की जितनी ब्रेथ है ऊपर वाले रेक्टेंगल की ब्रेथ उतनी ही हो, यानी शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। अगर जैसे लेंथ ब्रेथ कम ज़्यादा हुआ तो साइज अलग अलग हो जाएगी, एक रेक्टेंगल छोटी हो जाएगी, एक रेक्टेंगल बड़ी हो जाएगी। हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें ऐसे चाहिए जिसमें शेप और साइज दोनों एक जैसे हो, दोनों ही रेक्टेंगल हो और दोनों का साइज एक जैसा हो, दोनों ही ट्राइंगल हो और दोनों का साइज एक जैसा हो, ठीक है। तो इसमें क्या बोला इन्होंने कि ऐसा शेप जिसमें बेस और टॉप आइडेंटिकल पॉलीगन हो और जो उसकी वॉल्स होती हैं, वॉल्स कैसी होती हैं, रेक्टेंगल होती हैं। वॉल्स कैसी होती हैं, रेक्टेंगल। ऐसा सॉलिड शेप जिसमें बेस और टॉप आइडेंटिकल पॉलीगन होती हैं और वॉल्स रेक्टेंगुलर होती हैं, उसको हम प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है, समझ आ गया आपको। अच्छा, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर प्रिज्म के बेस में ट्राइंगल है तो इसका इसको क्या बोलेंगे, ट्राइंगुलर प्रिज्म। अगर प्रिज्म के बेस में रेक्टेंगल है तो उसके क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। प्रिज्म के बेस में जो भी पॉलीगन होगा प्रिज्म का नाम वही हो जाएगा। अगर बेस में ट्राइंगल है तो ट्राइंगुलर प्रिज्म, बेस में रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म, बेस में अगर पेंटागन है तो पेंटागुलर प्रिज्म, बेस में हेक्सागन है तो हेक्सागोनल प्रिज्म, बेस में ऑक्टागन है तो ऑक्टागोनल प्रिज्म, इस तरह से बनता जाता है, ठीक है। और प्रिज्म में मैंने क्या बताया कि बेस में अगर पेंटागन है टॉप में भी पेंटागन होना चाहिए सेम साइज का, बेस में अगर ऑक्टागन है तो टॉप में भी ऑक्टागन होना चाहिए सेम साइज का, बेस में ट्राइंगल है टॉप में भी ट्राइंगल होना चाहिए, समझ आ गया आपको। ट्राइंगुलर प्रिज्म, देखिए ट्राइंगुलर प्रिज्म मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है ट्राइंगुलर प्रिज्म। देखो ये दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड ट्राइंगुलर प्रिज्म, क्योंकि इसमें इसका जो बेस है बेस में भी ट्राइंगल है और टॉप में भी ट्राइंगल है, और इन दोनों ट्राइंगल का साइज कैसा है, सेम है, ठीक है। इसकी तीनों साइड की लेंथ और इसकी तीनों साइड की लेंथ सेम है, छोटी बड़ी नहीं है मतलब। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, है ना। इनका शेप कौन सा हो गया, शेप ट्राइंगल हो गया, और साइज, शेप और साइज सेम है, इसलिए ये दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल। तो बेस ये आपका बेस है और ये इधर जो है ये टॉप है, तो बेस और टॉप में आइडेंटिकल पॉलीगन है। और इसके जो वॉल्स हैं, ये जो वॉल्स हैं, ये वॉल्स में कैसे हैं, ये रेक्टेंगल है, ये दिख रहा है आपको,
रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, वॉल्स में कैसा है ये रेक्टेंगल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे प्रिज्म। ऐसे अगर यहाँ पर, अब ये देखिए यहाँ पे ट्रायंगल है, तो इसका कौन सा नाम हुआ, कौन सा प्रिज्म है ये, ट्रायंगुलर प्रिज्म। अगर ये यहाँ पे रेक्टेंगल हो जाए इसमें, तो ये कौन सा प्रिज्म हो जाएगा, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ठीक है, बेस और टॉप सेम होते हैं ना, बेस में अगर मान लीजिए पेंटागन हो जाए यहाँ पे, तो नीचे ये पेंटागन होगा, तो ये कौन सा प्रिज्म हो जाएगा, पेंटागोनल प्रिज्म। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये समझ लेना है, आपके आगे क्लासेस में बहुत काम आएगा। ठीक है, अब आपको मैंने ये बताया कि जो फ्लैट सरफेस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फेस। अब इसमें कितने फ्लैट सरफेस हैं, ये देखो दो फ्लैट सरफेस तो टॉप में, एक फ्लैट सरफेस बेस में है, एक फ्लैट सरफेस टॉप में है, तो वन, ये वन हो गया, वन टू। ठीक है, फर्स्ट फ्लैट सरफेस, सेकेंड फ्लैट सरफेस, और थर्ड, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, और ये फिफ्थ हो गया, यानी टोटल सरफेस कितनी है इसकी, फाइव। तो इसमें अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि टोटल कितने फेस हैं, तो हम क्या लिखेंगे, फाइव। लेकिन कई बार क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, वो ये बोलेंगे कि ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने ट्रायंगुलर फेस होते हैं, तो ट्रायंगुलर फेस इसमें कितने हैं, दो, एक ये है और एक ये है। रेक्टेंगुलर फेस कितने हैं, तीन, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, ये रेक्टेंगुलर फेस हो जाएंगे। समझ आ रही है बेटा आपको, बहुत इजी कंसेप्ट है, ध्यान से समझना है आपको। टोटल पांच फेस होती हैं, जिसमें से तीन रेक्टेंगुलर फेस होती हैं और दो ट्रायंगुलर फेस होती हैं। इसके बाद मैंने बोला था कि दो फेस जहाँ पे मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, एज। एक फेस ये है और एक फेस ये है, ये दोनों कहाँ पे मिल रही है, इस लाइन पे आके मिल रही है, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, एज। ठीक है, तो इसमें कितने एज हैं ये आपको पता लगाना है, तो कितने एज हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और फिर नीचे सेवन एट और नाइन। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने एज होती हैं, नाइन एजेस होती हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। और इसके बाद मैंने आपको बताया था वर्टेक्स, तो जहाँ पे तीन एज मिलती हैं उसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो एक एज ये हो गया, एक एज ये हो गया और एक एज ये वाला हो गया, तीनों एज ये इस पॉइंट पे आके मिल रही हैं, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब कॉर्नर, ये कॉर्नर है ना, इसमें कितने कॉर्नर हैं, वन टू थ्री एंड फोर फाइव एंड सिक्स। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने वर्टेक्स होते हैं, सिक्स वर्टेक्स। इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है वन मार्क्स में, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इसको समझ लेना आप ढंग से। ट्रायंगुलर प्रिज्म में थ्री सिक्स वर्टेक्स होते हैं, नाइन एजेस होते हैं। ठीक है, तीन ऊपर, तीन साइड में और तीन नीचे, नाइन एजेस होते हैं, और फाइव फेसेस होते हैं, जिसमें से तीन ट्रायंगुलर, तीन रेक्टेंगुलर फेस होती हैं और दो ट्रायंगुलर फेस होती हैं। समझ आ गया। इसी तरह से अब मान लो यहाँ पे स्क्वायर प्रिज्म होता, ठीक है, तो नीचे और ऊपर स्क्वायर होता, ठीक है, नीचे ऊपर स्क्वायर होता, तो इसमें कितनी फेस होती, फेस इसमें वन टू, दो तो एक नीचे हो गया एक ऊपर हो गया, और स्क्वायर में चार साइड होती हैं, तो चारों साइड पे एक एक हम रेक्टेंगल लगाएंगे, तो चार फेस मतलब चार दीवार हो जाती है, चारों तरफ एक एक दीवार लगानी थी, रेक्टेंगल लगानी थी, तो चार वॉल्स हो गई और पांचवा जो है टॉप हो गया, छठा बेस हो गया, तो स्क्वायर प्रिज्म में कितने फेस हो जाएंगे, सिक्स फेस हो जाएंगे। ठीक है, कितनी वर्टेक्स हो जाएंगी, एट वर्टेक्स हो जाएंगे, चार वर्टेक्स ऊपर चार वर्टेक्स नीचे, कितने एज हो जाएंगी, ट्वेल्व एज हो जाएंगी, चार एज ऊपर चार एज नीचे और चार एज ये दीवारों में, तो ट्वेल्व एजेज हो जाएंगी। ठीक है, समझ आ गया, आई थिंक प्रिज्म आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक है बेटा, चलिए, तो यहाँ पे एक रिमार्क नंबर टू है, ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रायंगुलर प्रिज्म में फाइव फेसेस होती हैं, नाइन एजेस होती हैं और सिक्स वर्टिसेस होती हैं। रेक्टेंगुलर प्रिज्म में सिक्स फेसेस होती हैं, ट्वेल्व एजेस होती हैं और एट वर्टिसेस होती हैं। ठीक है, याद रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वन मार्क्स में कई बार ये पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, याद करने के बजाय आप इसको अगर आप अच्छी तरह से समझ लोगे
तो याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही सॉलिड है नहीं, सॉलिड तो बहुत सारी है। जरूरी नहीं है कि ये ट्रायंगुलर प्रिज्म ही पूछा जाए, रेक्टेंगुलर प्रिज्म ही पूछा जाए, वो दे रहे हैं पेंटागोनल प्रिज्म दे रहे हैं, हेक्सागोनल प्रिज्म दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं। तो अगर आप प्रिज्म कैसे बनता है ये आपको पता चल जाएगा, और फेस एज और वर्टेक्स किसको कहते हैं तो आप अपने दिमाग से भी निकाल सकते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको समझ लेना अच्छी तरह से, ठीक है। क्लास एट्थ में भी ये सब रिपीट होने वाली है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है पिरामिड, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट सॉलिड है। अब सॉलिड शेप इन विच बेस इज एनी पॉलीगन एंड वॉल्स आर ट्रायंगुलर इज कॉल्ड पिरामिड। ऐसा सॉलिड जिसमें बेस कोई भी पॉलीगन हो, चाहे ट्रायंगल लगाओ, चाहे रेक्टेंगल लगाओ, चाहे आप पेंटागन लगाओ, चाहे हेक्सागन लगाओ, हेप्टागन लगाओ, कुछ भी लगाओ, ठीक है, पॉलीगन होना चाहिए। समझ आ रहा है, पॉलीगन की डेफिनेशन क्लियर है ना आपको, पॉलीगन होना चाहिए। जिसको क्लियर नहीं है वो प्रीवियस वीडियोस देखें जाके, आपको पता चल जाएगा पॉलीगन क्या है। पॉलीगन होना चाहिए बेस में, और उसकी जो दीवारें हैं वो कैसी होनी चाहिए, ट्रायंगुलर। जबकि प्रिज्म में क्या था कि बेस और टॉप में कोई भी पॉलीगन हो सकता था सेम शेप और साइज का, और वॉल्स उसकी कैसी थी, रेक्टेंगुलर। पिरामिड में क्या है कि बेस में कोई भी पॉलीगन हो सकता है, टॉप में उसमें कुछ नहीं होता है, टॉप में एक पॉइंट होता है बस। पिरामिड में टॉप में कुछ भी नहीं होता है, बेस में कोई भी पॉलीगन हो और वॉल्स ट्रायंगुलर हो। समझ आ रहा है अच्छी तरह से। चलिए, इन पिरामिड इफ बेस इज ट्रायंगल, अब यहाँ पर भी सेम है कि जो पिरामिड में बेस में जो पॉलीगन होगा वही पिरामिड का नाम होता है। बेस में अगर ट्रायंगल है तो उस पिरामिड को ट्रायंगुलर पिरामिड बोलेंगे, बेस में अगर रेक्टेंगल है तो उस पिरामिड को रेक्टेंगुलर पिरामिड बोलेंगे। अगर आपको आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज ट्रायंगुलर पिरामिड, तब आप ये नहीं लिखेंगे कि सॉलिड शेप इन विच बेस इज एनी पॉलीगन, अब हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगुलर पिरामिड अगर उन्होंने पूछा है तो हम ये लिखेंगे अ सॉलिड शेप इन विच बेस इज ट्रायंगल एंड वॉल्स आर ऑल्सो ट्रायंगल। अगर वो पूछेंगे कि व्हाट इज रेक्टेंगुलर पिरामिड, लेकिन अ सॉलिड शेप इन विच बेस इज रेक्टेंगल एंड वॉल्स आर ट्रायंगल। पिरामिड में वॉल्स हमेशा ट्रायंगल होती हैं, ये याद रखनी है। प्रिज्म में वॉल्स हमेशा रेक्टेंगल होती हैं, ये याद रखना है आप, ठीक है। समझ आ गया अच्छी तरह से। यहाँ पे पिरामिड का एक डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ये पिंक कलर से जो बना है ये बेस है इसका, और ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के तीनों साइड पे एक एक ट्रायंगल लगा के और उसको कनेक्ट कर दिया गया है, तो एक पिरामिड बन गया है, ठीक है। चलिए, इसका मैं आपको शेप दिखाता हूँ, सॉलिड शेप कैसा होता है इसका। देखिए, ये पिरामिड है, ठीक है, दिख रहा है आपको, इसमें बेस में ट्रायंगल है, ठीक है, बेस में ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल की तीन साइड हैं, तो तीनों साइड पे एक एक ट्रायंगल, यहाँ भी एक ट्रायंगल लगा दिया है, यहाँ भी एक ट्रायंगल लगा दिया, पीछे से भी एक ट्रायंगल लगा दिया, और यहाँ पे आके इनको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह की जो शेप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पिरामिड। याद रहेगा, पिरामिड एक सॉलिड होती है जिसमें बेस में कोई भी पॉलीगन हो सकता है, यहाँ तो ट्रायंगल है लेकिन यहाँ ट्रायंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन वॉल्स इसकी कैसी होंगी, हमेशा ट्रायंगुलर होंगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि बेस में इसकी ट्रायंगल है, इसलिए ये कैसा पिरामिड है, ट्रायंगुलर पिरामिड। समझ आ रहे बेटा। अब मैंने क्या बताया था कि जितनी भी फ्लैट सर्फेस होती हैं उसको क्या बोलते हैं, फेस। तो अब इसमें कितने फेस हैं, चार फेसेस हैं, आप देखेंगे कि 1, 2, 3, ये थ्री फेस ये हो गया, चौथा फेस ये हो गया, दिख रहा है आपको। पिरामिड में, ट्रायंगुलर पिरामिड में कितनी फेस होती हैं, 4 फेसेस होती हैं। अब ट्रायंगुलर पिरामिड में कितने वर्टेक्स होती हैं, वर्टेक्स क्या बताया था मैंने, जो एज होता है कॉर्नर, कॉर्नर को बोलते हैं वर्टेक्स। तो 4 वर्टेक्स होती हैं, एक वर्टेक्स ये रहा, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 वर्टेक्स होती हैं। 3 वर्टेक्स मतलब नीचे हैं बेस में, और एक वर्टेक्स ऊपर है। तो ट्रायंगुलर पिरामिड में कितनी वर्टेक्स होती हैं, 4 वर्टेक्स। अब उसके बाद ये पूछेंगे कितने एजेस होती हैं, तो मैंने ये बोला था कि 2 फेस जहाँ पे मिलती हैं, ये वाली फेस और ये वाली फेस यहाँ पे आके मिल रही है, इसको एज बोलेंगे। तो कितनी एजेस होती हैं इसमें, 6 एजेस होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और पीछे की तरफ 6। ये 3 एज यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है, ये टेप लगा हुआ है इसमें ब्लू कलर का, ये तीनों एज हैं, ठीक है, और फिर यहाँ ऊपर भी 3 एज हैं, 1, 2 एंड 3।
दिख रहा है, तीन एज, वन टू थ्री, तीन एज ऊपर है और वन टू थ्री, तीन एज नीचे, सिक्स एज हो जाए। यानी एक ट्राइंगुलर पिरामिड में, एक ट्राइंगुलर पिरामिड में सिक्स एज होती हैं, ठीक है, सिक्स एजेस होती हैं, फोर वर्टेक्स होती हैं और फोर फेस होती हैं, ठीक है, फोर फेसेस, फोर वर्टेक्स, फोर वर्टिसेस एंड सिक्स एजेस, ठीक है। अब मान लीजिए रेक्टेंगुलर पिरामिड है, तो रेक्टेंगुलर पिरामिड है तो नीचे नीचे मान लीजिए ये है, ये बेस हो जाएगा, है ना, ये टेबल मान लो ये बेस हो जाएगा, और यहाँ से भी यहाँ से और यहाँ से चारों तरफ से एक एक ट्राइंगल आएगी, ऊपर कनेक्ट कर देंगे हम, तो इसमें कितने फेस होंगे, पांच फेस हो जाएंगे, एक फेस ये हो जाएगा और चारों तरफ एक एक ट्राइंगल लगाएंगे तो पांच फेस हो जाएंगे इस पर, है ना, और कितने इसमें वर्टेक्स होंगे, पांच वर्टेक्स हो जाएंगी, चार ये हैं वर्टेक्स, यहाँ पे चार कॉर्नर दिख रहे हैं आपको, वन टू थ्री फोर, फोर कॉर्नर और एक ऊपर, फाइव हो जाएगा, फाइव इसमें वर्टेक्स हो जाएंगी, फाइव फेस, फाइव वर्टेक्स, और कितनी एज हो जाएंगी रेक्टेंगुलर पिरामिड में, चार एज नीचे होंगी बेस में और चार एज उसकी ऊपर होंगी वॉल्स में, तो इसमें एट एजेस हो जाएंगी, ठीक है, ये याद रहेगा आपको। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि मतलब पिरामिड क्या होता है और प्रिज्म क्या होता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सभी बच्चे इसको जरूर ध्यान से समझ लें, क्लास एट्थ में रिपीट होगा, इस क्लास में तो आपके काम आना ही आना है, ठीक है। प्रिज्म और पिरामिड बच्चों को जनरली समझ आता नहीं रहता है, इसलिए मैंने आपको स्पेशली ये सॉलिड शेप्स दिखा के समझाया है, इसको वीडियो को दो तीन बार देखोगे तो बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ठीक है। प्रिज्म में बेस और टॉप में आइडेंटिकल पॉलीगन्स होते हैं और वॉल्स उसकी रेक्टेंगुलर होती है, प्रिज्म और पिरामिड, है ना। प्रिज्म में मैंने क्या बताया था कि बेस और टॉप कैसी होनी चाहिए, आइडेंटिकल पॉलीगन, और वॉल्स कैसी होनी चाहिए, रेक्टेंगल, जबकि पिरामिड में बेस कुछ भी हो सकता है और वॉल्स कैसी होती हैं, ट्राइंगुलर होती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें ये जो रिमार्क नंबर टू है ये आप देख लेना, ट्राइंगुलर पिरामिड हैज़ फोर फेसेस, सिक्स एजेस एंड फोर वर्टिसेस। ट्राइंगुलर पिरामिड में फोर फेसेस होती हैं, सिक्स एजेस होती हैं और फोर वर्टिसेस होती हैं, और रेक्टेंगुलर पिरामिड में फाइव फेसेस होती हैं और एट एजेस होती हैं और फाइव वर्टिसेस होती हैं, ठीक है। ये दोनों ही एक्सप्लेन कर दिया था मैंने अभी, आप इसको एक बार देख लीजिएगा ढंग से। इसके बाद नेक्स्ट है स्फीयर। तो स्फीयर क्या होता है, स्फीयर इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन ए स्पेस विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। जैसे हमने सर्कल में क्या था ना कि सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज सेम, वैसी स्फीयर थ्री डायमेंशन, सर्कल में टू डायमेंशन होता है और स्फीयर में थ्री डायमेंशन में होता है, ठीक है। तो दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड दिस फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द स्फीयर। थ्री डायमेंशन में अगर हम ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन ले जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम हो तो उन पॉइंट्स के कलेक्शन को हम स्फीयर बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल फुटबॉल है, फुटबॉल दिखाया आपने, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये सब जो है किसके एग्जाम्पल हैं, स्फीयर के, ठीक है, इन सबको हम स्फीयर बोलते हैं। और सर्कल क्या होता है, सर्कल टू डायमेंशनल होता है, जैसे आपने देखी होगी रोटी बनती है आपके घर में, तो रोटी जो है वो टू डायमेंशनल है ना, तो वो सर्कुलर शेप होता है उसका, ठीक है। बैंगल्स होती हैं, तो बैंगल्स जो है सर्कुलर होती हैं, सर्कल होती हैं, लेकिन जैसे फुटबॉल है, बॉल है, ये सब किस चीज़ का एग्जाम्पल है, स्फीयर का। इसके बाद नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर इज ए सॉलिड जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ ए रेक्टेंगल अबाउट वन ऑफ इट्स साइड्स। जब रेक्टेंगल के किसी एक साइड को रिवॉल्व करेंगे, घुमाएंगे किसी एक साइड के अलॉन्ग, तो जो सॉलिड बनेगा उसको हम सिलेंडर बोलते हैं। ये आपको यहाँ पे शेप दिख रहा है, ये सिलेंडर है ये, ठीक है, इस शेप को सिलेंडर बोलते हैं और इस शेप को स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि स्फीयर में सिर्फ एक ही फेस होता है। स्फीयर में कितने फेस होते हैं, एक ही फेस होता है, वन कर्व फेस, ठीक है। सिलेंडर में वन कर्व फेस होते हैं और टू प्लेन फेसेस होते हैं, ठीक है। इट हैज़ टू प्लेन फेसेस एंड वन कर्व फेस। जैसे रोड रोलर होता है, जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, रोड का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, देखा है हमने रोड कंस्ट्रक्शन, तो उसके जो टायर्स होते हैं, तो रोड रोलर जो होता है उसके जो टायर्स होते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, सिलेंडर का, ठीक है।
जो पाइपलाइन होती हैं, पानी की जो पाइपलाइन होती हैं, वो सिलेंडर का एग्जांपल है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कोन। कोन इज ए सॉलिड जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल अबाउट इट्स वन साइड कंटेनिंग द राइट एंगल। राइट एंगल के अलोंग जब उसको रोटेट करेंगे, राइट एंगल के किसी एक साइड के अलोंग, राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके किसी एक साइड के अलोंग जब उसको रोटेट करते हैं तो वो क्या बनता है, कोन। ठीक है, इट हैज वन प्लेन प्लेन और सर्कुलर फेस। एक इसका प्लेन फेस होता है जो कि सर्कुलर होता है और एक इसका कर्व फेस होता है। ठीक है, ये दिस इज द डायग्राम ऑफ कोन। कोन आपने देखा होगा जो बर्थडे कैप होता है, बर्थडे में जो कैप आप लोग पहनते हैं उसको हम कोन बोलते हैं, या आइसक्रीम कोन खाया होगा आपने कई बार, उसको कोन बोलते हैं। तो स्फीयर, कोन, सिलेंडर, ये सब आपको पहचानना आना चाहिए। मेन इसमें प्रिज्म और पिरामिड का ही है, बाकी स्फीयर, सिलेंडर और कोन ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इनके बारे में हम डिटेल में आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 5.9 कर सकते हैं, एक्सरसाइज 5.9 कर लेना। किसी बच्चे कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप जो हैं वो